अपनी प्रेमिका को इस हालत में देखकर जयवर्धन रंधावा को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहां पर काफी देर तक खड़ा रहा लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और उसका गुस्सा उसके शरीर पर भी साफ झलक रहा था क्योंकि उसके गर्दन और हाथों की नसें दिखाई देने लगी थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्य इतनी गंदी हरकत करेगा। रुद्र आगे और भी काफी कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन जब उसने ध्यान से देखा कि वहां पर सिर्फ वो डांसर है और आर्य नहीं है तो वो चुप हो गया। उसकी शक्ल देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली हो और उसे बोलने से रोक लिया। अरे, किसी ने कहा था ना कि इस लड़की के साथ ये हरकत आर्य ने की है, तो यहां पर वो दिख क्यों नहीं रहा? उसी भीड़ में से किसी आदमी ने कहा, हां सही कह रहे हो, अगर आर्य यहां नहीं है तो उसने इस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर किसने इसकी ऐसी हालत कर दी? लड़की को अकेला देखकर किसी दूसरे इंसान ने सवाल करते हुए कहा, क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो? पीछे से एक आवाज आई और सबने पलट कर देखा तो कोई लड़का उधर दूसरी तरफ से आ रहा था। जब सारे लोग अपनी बातों में मशगूल थे तभी आर्य उन लोगों के पीछे से अचानक से आया। उसके कपड़े पूरे तरीके से साफ सुथरे थे, ना कि शराब से महकते हुए। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था और उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसने ये गंदी हरकत की है। मैं तो वहां उस पीछे वाले कमरे में आराम कर रहा था और फिर मैंने ये सारा शोर सुना। मैं यहां थोड़ी ही दूर पर था जब मैंने सुना कि कोई मुझे आवाज लगा रहा है। क्या हुआ, आप लोग मुझे क्यों बुला रहे हो? आर्य ने अचानक से वहां आकर पूछा। आर्य को वहां अचानक से और इतनी अच्छी हालत में देखकर सबके होश ही उड़ गए। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आर्य इतनी हिम्मत करके सबके सामने आएगा और उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे यहां पर हो रही किसी भी घटना के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। आर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना सब करने के बाद भी तुम अपना सर उठाकर हमारे सामने आ रहे हो? अचानक से उसी भीड़ में से किसी ने आर्य से सवाल करते हुए कहा, रुद्र तुम्हें अपना छोटा भाई मानता है और तुमने उसे ही धोखा दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसके ही परिवार की लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम किया? उसी भीड़ में से रुद्र के दोस्त ने कहा। जब रुद्र वहां आया तो जो रुद्र के दोस्त नशे में थे उन लोगों ने तुरंत होश में आते हुए आर्य की तरफ शक की नजरों से देखा। आर्य ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये सब लोग आप क्या कह रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है और हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसकी हिम्मत तो देखो, इतना होने के बाद भी ये हमारे सामने बेशर्म होकर मुंह खोल रहा है। जयवर्धन रंधावा ने बगल में खड़े कुछ लोगों को आर्य की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, वो ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि वहां और ज्यादा तमाशा बने। अब आर्य को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि कोई उसके करीब आता उसने तुरंत उस आदमी के पेट में लात मार दी जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर गया। आर्य को इस रूप में देखकर अचानक से सबके होश उड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी सड़क से उठकर यहां आया हूं? मैं राठौर परिवार से हूं तो मेरे साथ बदतमीजी करने से पहले दो बार सोचना।
आर्य ने एक एक शब्द बहुत गुस्से से कहा और उस इंसान को घूरने लगा जिसे उसने लात मारी थी। उसकी आंखों का गुस्सा और जान से मार देने वाली नजरें सबको साफ दिखाई दे रही थी। आर्य को अचानक बेचारे से एक्शन हीरो बनता देखकर किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे लात मारो, उस इंसान ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर कहा। उस आदमी ने फिर से आर्य पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन आर्य की गुस्सैल आंखों को देखकर पीछे हट गया। तुमने रंधावा परिवार को समझ कर रखा है या क्या तमाशा लगा रखा है? यहां तुम्हारी यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रंधावा परिवार का कर्ता धर्ता होने की वजह से जयवर्धन रंधावा सबसे पहले शॉक से निकला और उसने आर्य पर चिल्लाते हुए कहा। जब आर्य ने जयवर्धन की आवाज सुनी तो उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो गुस्से से लाल हो गया था और उसको गुस्से में देखकर सारे लोग कांपने लगे। कहा और क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हारा रंधावा परिवार एक बहुत बड़ा मजाक है। कौन से घर में बाप की प्रेमिका चुपके से उसके बेटे के कमरे में आती है? क्या तुम्हारे बेटे के सारे स्टाफ नशे में रहते हैं? या तो तुम्हारे बेटे के स्टाफ खुद उसे आने देते हैं, पूछो उनसे, या फिर उसके पास कोई ऐसा गुप्त रास्ता था जहां से वो अक्सर आया जाया करती थी। मुझे नहीं पता कि असल मामला क्या है, लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूं वो यहां पर रेगुलरली आया करती थी। बस इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे और उसके संबंध भी थे। तो मुझे तुम मत बताओ कि रंधावा परिवार क्या है और कैसा है। आर्य ने गुस्से में जयवर्धन रंधावा से कहा, और वैसे भी आपके घर और आउटहाउस में सिर्फ एक दीवार और मेन हॉल की दूरी है। अगर यहां ऐसा कुछ हो रहा था तो इतने पास होकर भी किसी को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? आप अपने बेटे और प्रेमिका के रिश्ते के बारे में पता क्यों नहीं कर पाए? आप सिर्फ मुझे इसलिए बलि का बकरा बना रहे हो क्योंकि वो लड़का अभी बेहोश है। और हां, मैं यहां आया जरूर हूं अकेला, लेकिन मेरा नाम भी आर्य राठौड़ है। मुझे इस्तेमाल करना आपके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। आर्य ने अपनी बात को कॉन्टिन्यू करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जयवर्धन रंधावा ने आर्य को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा। वो आर्य को गुस्से से तम तमाकर घूर रहा था। क्या बहरे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, या आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही? आर्य जयवर्धन रंधावा की डरावनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं घबराया था। मैं ये कह रहा हूं कि आपके बेटे और जो उसके कुछ दोस्त आसपास खड़े हैं, उन सब ने मिलकर इस लड़की की यह हालत की है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आर्य ने एकदम कड़क आवाज में कहा। जैसे ही आर्य ने यह बात बोली, वहां पर आसपास खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए और उनकी नजर अब आर्य पर नहीं बल्कि रुद्र और उसके आसपास खड़े उसके दोस्तों पर चली गई। और उनको भी लग रहा था कि शायद आर्य सही कह रहा था। जब उन लोगों ने उन लड़कों की तरफ देखा तो सबके होश उड़े हुए थे। उन लोगों ने देखा कि रुद्र और जो उसके बगल में दो लड़के उस डांसर के पास खड़े थे, उनके ही चेहरे और आंखें लाल थी। वो लोग घबराहट में तेज तेज सांसें ले रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग गुस्से से पागल हो जाएंगे। अक्सर रुद्र सबके सामने ऐसा दिखावा करता था कि वो बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन इस समय उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा घबराहट में है और कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है।
उसके पापा की प्रेमिका वहां जमीन पर गंदगी में पड़ी हुई थी और इसका बेटा खुद उस लड़की से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। रुद्र का ऐसा बर्ताव ना सिर्फ अजीब था बल्कि यह भी साबित करता था कि आर्य ने जो भी कहा वो गलत नहीं था। रुद्र जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था और खुद को शांत रखने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका दिमाग इतना खाली कैसे हो गया। जब उसने वहां पर उस लड़की की बॉडी को पड़े हुए देखा था तब उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने वश में कर लिया हो। वे वहां से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। लेकिन चाहे जो कुछ भी हुआ उसे तुरंत मना करना था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के और बहस करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने ये प्लानिंग बहुत अच्छे से की थी लेकिन उसकी ये जो हालत थी वो कुछ और ही बता रही थी। अगर वो इस वक्त होश में होता तो शायद वो वहां मौजूद लोगों को यह साबित करने में कामयाब हो जाता कि यहां पर उसकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन अब इतना सब करने के बाद आर्य ने अपनी नजरें घुमाकर आसपास लोगों को देखा। वो साफ साफ देख सकता था कि कैसे लोग उसको शक भरी निगाहों से देख रहे थे। अरे तो लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर समझ आ गया था कि अब चाहे जयवर्धन रंधावा या रुद्र कुछ भी बोले लोग उसकी बातों में नहीं आने वाले थे। आर्य ने सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में कहा, लोगों ने पहले मेरे परिवार के साथ जो किया है या फिर करने वाले उसके लिए तो मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगा। अब तो मैंने उनकी ऐसी हालत कर दी है कि वो किसी और के साथ गलत करने से पहले हजार बार सोचेंगे। ये क्या बोल रहे हो रुद्र, मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है? एक बार अपनी हालत देखो और अपने पीछे खड़े लोगों को देखो। क्या तुम सचमुच खुद से या इन लोगों से नजरें मिलाने के लायक हो? आर्य ने रुद्र से कहा। आर्य कितना कहते ही रुद्र अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखने लगा और फिर उसने अपने पापा का भी चेहरा देखा जो शर्मिंदगी से अब हरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने बेटे को और आसपास खड़े लोगों को गालियां देना चाहते हो लेकिन वो मजबूर थे। अपने बेटे की इस हरकत के बाद वो ना तो अपने परिवार में किसी से आंखें मिलाने लायक बचा था और ना ही बाहर वालों से। अब जयवर्धन रंधावा की जिम्मेदारी थी कि वो सच का पता लगाए। उसने जब चारों तरफ देखा तो वहां सिर्फ उसके बेटे और बाकी चार लड़कों की आंखें अजीब सी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी उस लड़की पर टूट पड़ेंगे। वो लोग ही सिर्फ उस लड़की को ललचाई नजरों से देख रहे थे और बाकी लोगों की आंखों में उस बेचारी लड़की के लिए दया भाव दिखाई दे रहा था। क्या आर इतने लोगों के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो पाया था? अब क्या होगा रुद्र का अगला कदम? क्या वो आर्य को दोबारा फंसा पाएगा? क्या रंधावा परिवार रुद्र को लोगों की धुतकार से बचा पाएगा?